हेलो गर्ज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट ईयर स्टडी तो आज हम कंप्यूटर सीरीज जो अपना चल रहा है उसमें ट्वेंटी न्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन से क्वेश्चन है यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स नीड सेवन बीट्स टू रिप्रजेंट अ कैरेक्टर ऑप्शन ए है एस सी आई आई ऑप्शन बी है बी सी डी ऑप्शन सी है ई बी सी डी एस सी और ऑप्शन बी है ग्रे तो यहाँ पे अपना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस सी आई आई ए एस सी आई आई कोड जो होता है उसमें हम सेवन बीट को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कैरेक्टर फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है यहाँ द स्पीड इम्बैलेंस बिटवीन मेमोरी एक्सेस एंड सी पी यू ऑपरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए है कैसे मेमोरी बी है मेमोरी इंटरलीविंग सी है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मेमोरी और डी है नन ऑफ दीज तो यहाँ पे अपना राइट right आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैसे मेमोरी एंड बी मेमोरी इंटर लिविंग यहाँ पर अपना ऑप्शन ए और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ प्लीज सेलेक्ट द रजिस्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ए है एकमुलेटर बी है स्टेक पॉइंटर सी है प्रोग्राम काउंटर और डी है बफर तो यहां पे अपना राइट right आंसर जो है वो हो जाएगा एक्यूमुलेटर प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर अपना ऑप्शन ए बी एंड सी जो है अपना राइट right आंसर हो जाएगा यहां पे अपना एक्यूमुलेटर स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर ये तीनों अपना राइट right आंसर हो जाएगा जो कि रजिस्टर्स है फिर हम ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन माइक्रो प्रोसेसर वाज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज हुआ था ऑप्शन ए है जिन्स्क डी है बी है डी ओ एस सी है सी पी और एम और डी है मल्टाइसेज तो यहाँ पे जो है अपना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सी पी एम फिर हम ओवन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एनी गिवन ट्रूथ टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मतलब ट्रूथ टेबल जो होता है वो रिप्रेजेंट किससे हो सकता है ऑप्शन ए है कार्न ऑफ मैप बी है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन सी है प्रोडक्ट ऑफ सम बुलियन एक्सप्रेशन और डी है नन ऑफ दिस तो यहाँ पे देखेंगे अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए करनाइफ मैप ऑप्शन बी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन एंड ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन जो है अपना यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ट्रू टेबल जो है ये तीनों प्रोसेस से जो है वो दिखाया जाता है फिर हम ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ए प्लस बी कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय ए प्लस बी इंप्लीमेंट होगा किसके द्वारा ऑप्शन ए है गेट अलोन बी है नॉर्गेट एलोन और सी है एंड गेट एलोन और डी है नन ऑफ दीज तो यहाँ पे हम देखेंगे ए प्लस बी जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑप्शन ए नैंडगेट एलोन और ऑप्शन बी नॉर्गेट एलोन नैंडगेट जो होता है वो एंडगेट और नोट गेट का कम्बिनेशन होता है नॉर्गेट जो होता है वो or gate, और गेट और नोटगेट का कम्बिनेशन होता है फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ द डेशमल इक्वेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर वन जीरो वन पॉइंट वन जीरो वन इज़ ऑप्शन ए है फाइव पॉइंट सिक्स टू फोर नाइन ऑप्शन बी है फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव ऑप्शन सी है फाइव पॉइंट फाइव एंड ऑप्शन डी है फाइव पॉइंट टू फाइव तो यहाँ फाइव के लिए सबसे पहले वन जीरो वन जो है पॉइंट के आगे के लिए हम लोग देखेंगे तो हम यहाँ देख पाएंगे कि वन को हम लिख सकते हैं वन इंटू टू टी पावर ज़ीरो से तो यहाँ पे इसका वैल्यू वन हो जाएगा और जीरो तो जीरो ही रहेगा एंड वन के लिए फिर हम करेंगे क्या तो यहाँ पे वन इंटू टू टी पावर टू आ जाएगा और इसका एडिशन जब हम कर देते हैं तो ये वैल्यू फाइव हो जाएगा और पॉइंट के बाद के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पॉइंट में जब पॉइंट के बाद फर्स्ट पॉइंट जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इसका फर्स्ट वैल्यू हो जाता है फिर जीरो के लिए वैल्यू जीरो ही हो जाएगा एंड वन के लिए वैल्यू हो जाएगा ये हाफ हाफ होता जाता है पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट फाइव फिर टू पॉइंट फाइव आता है फिर टू पॉइंट वन फाइव आ जाता है वन पॉइंट टू फाइव आ जाता है तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट सिक्स टू फाइव तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऑप्शन बी अपना यहाँ पे राइट right हो जाएगा फिर हम ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ ये बेस टू में दिया गया है और बोल रहा है बेस थर्टी टू इसका जब हम लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टू टी पावर फाइव स्कल टू जो होगा वो थर्टी टू हो जाता है तो यहाँ पे हम ये फाइव फाइव वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो अपना यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट right आंसर हो जाएगा फिर हम ओवन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बबल मेमोरीज आर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क बिकॉज ऑप्शन ए है ऑफ़ देयर हायर डेटा ट्रांसफर रेट ऑप्शन बी है द कॉस्ट नीडेड टू स्टोर बिट इज लेस ऑप्शन सी है दे कंज्यूम लेस पावर एंड ऑप्शन डी है ऑफ देयर डिएबिलिटी तो यहाँ पे अपना राइट right आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा दे कैन कंज्यूम लेस पावर एंड डी हो जाएगा ऑफ देयर रियलिबिलिटी फिर हम ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एरर कोड मिनिमम एरर कोड इसमें कौन सा है ऑप्शन ए है ऑक्टल कोड बी है बैंडी कोड सी है ग्रे कोड ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस कोड और डी है एक्सेस थ्री कोड तो यहाँ पे जो है अपना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रे कोड ग्रे कोड यहाँ पे अपना राइट right आंसर हो जाएगा फिर हम ओवन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ व्हाट इज द टर्म ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा विद इन अ कंप्यूटर ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोग्रामिंग बी है सिस्टम प्रोग्रामिंग सी है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड डी है मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग तो यहाँ पे अपना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोग्रामिंग यहाँ पे अपना राइट right आंसर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है यहाँ व्हाट इज द नेम ऑफ असेंबलर विच रन ऑन वन मशीन बट प्रोड्यूस मशीन कोड फॉर अनदर मशीन ऑप्शन ए है सिमुलेटर बी है इमुलेटर और सी है क्रॉस असेंबलर और डी है बूट स्टार्प लोडर तो यहां पे अपना राइट right आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्रॉस असेंबलर क्रॉस असेंबलर जो है वो कोड को रन करता है एक मशीन पे बर्फ बट वी कैन प्रोड्यूस मशीन कोड फॉर अनदर मशीन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन है यहाँ अ टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग अ सिंगल ऑप्शन ए है नॉर गेट बी है एंड गेट सी है गेट और डी है नैंड गेट तो यहाँ पे जो है एक टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट परफॉर्म यूजिंग ए सिंगल एंड गेट यहाँ पे अपना बी ऑप्शन एड हो जाएगा फिर हम ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है यहाँ मैक्रो प्रोग्राम इज मैक्रो प्रोग्राम क्या है ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए द नेम ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम इन मैक्रो कंप्यूटर्स बी है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंडिकेटिंग द प्रीमिएटिव ऑपरेशन इन अ सिस्टम ऑप्शन सी है अ प्रीमेटिव फॉर्म ऑफ अ मैक्रोज यूज इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी है अ प्रोग्राम ऑफ वेरी स्मॉल साइज तो यहाँ पे जो है अपना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंडिकेटिंग द प्रीमेटिव ऑपरेशन इन अ सिस्टम माइक्रो प्रोग्राम जो है वो है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग द प्रीमेटिव ऑपरेशन इन अ सिस्टम फिर हम ओवन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ द थ्री मैन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर का जो तीन मैन कंपोनेंट होगा थ्री माइन कंपोनेंट होगा वो कौन सा कौन सा होगा ऑप्शन ए है मेमोरी इनपुट आउटपुट एंड डी एम बी है ए एल यू सी पी यू एंड मेमोरी ऑप्शन सी है मेमोरी सी पी यू एंड इनपुट आउटपुट ऑप्शन डी है कंट्रोल सर्किट्स ए एल यू एंड रजिस्टर तो यहाँ पे हम देखेंगे अपना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेमोरी सीपीयू एंड इनपुट एंड आउटपुट ये तीन कंपोनेंट जो हो जाएगा वो डिजिटल कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन है यहाँ अ सब्सट्रैक्टर इज नोट यूजली प्रजेंट इन अ कंप्यूटर बिकॉज सब्सट्रैक्टर जो होता है वो कंप्यूटर में प्रजेंट नहीं होता है ड्यू टू विच कॉजेस तो ऑप्शन ए है यहाँ पे इट इज़ एक्सपेंसिव ऑप्शन बी है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन इट ऑप्शन सी है द एडर विल टेक केयर ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अभव तो यहां पे अपना राइट right आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा यहां होता क्या है एडर जो होता है विल टेक केयर ऑफ सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो होता है वो एडर ही कर देता है एडिशन ही कर देता है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां

पैरिटी बीट जो होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है ऑटोमेटिक एरर करेक्शन को या ये उस पर इम्प्लाई नहीं कर पाता है फिर हम ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इन अ माइक्रो कंप्यूटर व्हाट बेनिफिट डज अ कोप्रोसेसर प्रोवाइड माइक्रो कंप्यूटर में जो होता है वो कोप्रोसेसर क्या प्रोवाइड करवाता है बेनिफिट ऑप्शन ए है सपोर्ट बोथ कलर एंड मोनोक्रोम मॉनिटर्स ऑप्शन बी है अलाउ मल्टी यूजर ऑपरेशंस ऑप्शन सी है इंक्रीज द स्पीड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, एंड ऑप्शन डी है हैंडल्स नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो यहाँ पे अपना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंक्रीज द स्पीड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिकल कंप्यूटर कंप्यूटेशंस फिर हम ऑन करेंगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वायर कनेक्टर केबल्स आर ट्रेडिशनली ऑफ टू टाइप्स सीरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक वायर कनेक्टर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट सीरियल होता है और दूसरा कौन सा होगा ऑप्शन है यहाँ पे डुप्लेक्सड बी है पैरल सी है लिंकिंग एंड डी है एक्सपेंडेड तो यहाँ पे अपना दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पैरल सीरियल एंड पैरल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वायर कनेक्टर केबल्स होता है फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ एन इलेक्ट्रिकल पाथवे विद इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पाथवे जो होता है कंप्यूटर में वो क्या कहलाता है ऑप्शन ए है बफर बी है सेक्टर सी है बस एंड डी है ट्रैक तो यहाँ पे अपना राइट right आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बस बस अपना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपना यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा तो आज का सेशन हम यही इंड करेंगे अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ थैंक यू